हे गाइस, इट्स ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि हमें पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो खतरे में ना आए, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। सो डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं वो आती है कि हाइजीन मेंटेन करने में। अब हाइजीन किस तरीके से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड्स, लाइक टैम्पोन्स हो गया, पैड्स हो गए, अगर हम उनको रेगुलर इंटरवल पे चेंज नहीं करते हैं उस कंडीशन में हमारे वजाइनल एरिया पे इन्फेक्शन बिल्डअप हो सकता है और वो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। सो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही पैड में सारा सारा दिन निकाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रेगुलर इंटरवल पे अपना पैड जो है, पैड है, टेम्पोन है, कपड़ा है, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहना चाहिए ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन बिल्डअप ना हो। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि आपको अपने हैंड्स भी अच्छे से वॉश करने चाहिए बिफोर ईटिंग एनीथिंग। मतलब नॉर्मली तो हम करते ही हैं बट पीरियड्स के टाइम पे आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का कि आपके हैंड्स जो हैं वो प्रॉपरली वॉश्ड हों, प्रॉपरली क्लीन हों, तभी आपको जो भी चीज़ आप खा रहे हो वो इंटेक करनी चाहिए। थर्ड थिंग क्या आती है, कुछ लोगों के यहाँ ये मान्यताएँ होती हैं कि पीरियड्स के टाइम पे नहीं नहाना चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, तो वो भी चीज़ गलत है। अपनी पर्सनल हाइजीन सबसे पहले होती है। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए ताकि आप खुद भी हेल्दी रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे जब हमें पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं और उनकी भी लिमिट नहीं होती। दिन में 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेन किलर्स क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को भी एडवर्स इफेक्ट दे सकती है और साथ में आपके पीरियड्स को भी थोड़ा एबनॉर्मल कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द है तो उस कंडीशन में आप, मैंने अपने चैनल पे एक होम रेमेडी डाली हुई है पीरियड्स पेन को लेके, आप उसको ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, उस कंडीशन में आप अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए और वो जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब कर रही है, किस डोज में प्रिस्क्राइब कर रही है, दिन में कितनी बार लेनी है, उस अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप किसी ने बोल दिया कि ये दवाई ले लो और आप लेने लग जाओ। हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का बॉडी मैकेनिज्म अलग होता है। मे बी जो दवाई उनको सूट कर रही हो आपको सूट ना करे, आपको और ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, क्या है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो ये है कि पीरियड्स के टाइम पर हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जो घर में हेल्दी खाना बनता है आपको वो ही खाना चाहिए क्योंकि जंक फूड के अंदर ऑयल और सॉल्ट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और सॉल्ट क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। जितना ज़्यादा हम सॉल्ट लेते हैं, हमारे शरीर में जो पानी होता है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता है। तो उस कंडीशन की वजह से हम बोलते हैं कि सॉल्ट हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो पीरियड्स के टाइम पे आपको एक फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाओगे उस कंडीशन में क्या होगा, वो फ्लो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अंदर ही रिटेन हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ज़्यादा सॉल्टी फूड, ज़्यादा जंक फूड्स पीरियड्स के टाइम पे नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो क्या है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो ये है कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी को ना एक तरीके से ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हॉर्मोनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उस टाइम पे अगर आप अपने आप कंप्लीटली रेस्ट नहीं लोगे तो आप और ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो, आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट उसका हो सकता है। तो उस वजह से आपको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए और अच्छे से आप रेस्ट लोगे तो आपके पेन में भी रिलीफ आपको मिल सकता है। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है उसमें 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपको अपने पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसके कलर को चेक करना है कि उसके कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल कलर क्या होता है आप सबको पता है, बट अगर कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं उस कंडीशन में आप अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए, मे बी वहाँ पे कोई वजाइनल इन्फेक्शन बिल्डअप ना हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि अगर आपको हैवी क्लॉटिंग हो रही है, हैवी ब्लड क्लॉटिंग अगर आपको देखने के लिए मिल रही है, उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग क्या है, वो ये है कि आपको अपने ब्लड फ्लो को भी चेक करना है। पीरियड्स के टाइम पर हमें जो ब्लीडिंग होती है वो किस फ्लो में हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं और बाद में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी चीज़ों को मॉनिटर करते रहना होगा। ठीक है, कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपका इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।